दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण के नाभि में प्राण होने का क्या रहस्य था? आइए आज इसी बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमारी और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल कृष्ण लीला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों, रामायण की बात हो और रावण का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि रावण की कमजोरी उसकी नाभि में छिपी थी। इस बारे में सिर्फ उसका परिवार ही जानता था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रावण अपने भाइयों सहित कठोर तप करने के लिए गोकर्ण नामक आश्रम में गया। उसने ठान रखा था कि वह कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करेगा। रावण ने निरंतर 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। 1,000 वर्ष पूरा होने पर वह अपना एक सिर होम में अर्पित कर देता था। इस तरह 9,000 वर्ष तप करने के पश्चात वह अपने 9 सिर होम में अर्पित कर चुका था। जब 10,000 वर्ष होने को आए तो रावण अपना 10वां सिर भी होम में अर्पित करने लगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से बोले, हे धर्मराज, तुझे जो वर मांगना है मांगो, हम तेरे लिए क्या करें जिससे तेरा परिश्रम व्यर्थ ना जाए। पहले तो रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा संभव नहीं है। तब रावण ने ये वर मांगा कि मनुष्य जाति को छोड़कर और कोई भी उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देते हुए उसके कटे 9 सर भी वापस कर दिए। वरदान मिलने के बाद रावण एक एक कर सभी को जीतता गया। इसी क्रम में वो यमपुरी पहुंचा और यमराज से युद्ध करने लगा। रावण और यमराज के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान यमराज ने जो ही अपने अस्त्र से रावण को मारना चाहा, तभी ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। ब्रह्मा जी ने यमराज से कहा कि ये मेरे वरदान के कारण तुमसे नहीं मर सकता, और अगर तुम इस पर अपना अस्त्र चला दोगे तो ये अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। ये वरदान ऐसे ही बना रहे इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर यमराज रावण के सन्नापन हुआ। रावण ने तत्पश्चात यमराज से अमरत्व का वरदान मांगा। यमराज ने अमरत्व का वरदान देने से मना कर दिया, लेकिन यमराज ने रावण के प्राण को उसकी नाभि में एक अमृत कुंड स्थापित करके छिपा दिया, जिससे रावण की मृत्यु तभी संभव होती जब कुंड से अमृत सूख जाता। तो दोस्तों, रावण के नाभि में प्राण होने का यही रहस्य था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।